प्रशांत चक्रवर्ती और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस में। मैं आपके सामने एक नया वीडियो क्लास 10 का पोएम सेक्शन से लेकर आया हूँ, डस्ट ऑफ स्नो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, एग्ज़ाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो आई होप कि आप वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे और आपको इसमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो मतलब होता है क्या कि सिंपल सा अर्थ इसका है पार्टिकल्स ऑफ स्नो मीन्स बर्फ के कण, बर्फ के टुकड़ा। यहाँ लिखा गया है इसका जो पॉइंट है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का इससे भी पहले बहुत पोएम आ चुका है और बहुत ही अच्छे अच्छे बेहतरीन पोएम आए हुए हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं, क्लास 9 में भी है, क्लास 10 में भी हैं। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिखा है फर्स्ट स्टेंजा में कि द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। मीन्स ये हुआ, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्रो, आप सब जानते हैं क्रो मीन्स कौवा होता है। सुक डाउन, सुक डाउन मतलब होता है हिलाना, हिला देना, सुक डाउन कर देना, हिला देना, यानी शायद डाली हिली होगी, ब्रांच हिली होगी जिस पे कौवा बैठे हुए थे। और डस्ट ऑफ स्नो मैंने बता ही दिया, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, और एक और दिया है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री मीन्स होता है, इसका अर्थ देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ये पॉइजनस प्लांट और ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। मीन्स ये हुआ, यानी ये प्लांट मतलब धतूरा का पौधा बोल सकते हैं, धतूरा का पौधा सरल भाषा में है ना। तो कहते हैं इसमें क्या कहा गया कि एक कौवे ने धतूरे के वृक्ष से मेरे ऊपर बर्फ के कण गिरा दिए। यानी जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो एक बार पेड़ के नीचे बैठे हुए थे या फिर पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे, कुछ भी हो सकता है। तो उसी हेमलॉक ट्री के ऊपर जो है, या धतूरे के पेड़ के ऊपर जो है, क्रो भी बैठा हुआ था, और क्रो जो है किसी कारण से वो जैसे ही वहाँ से उड़े तो जिस डाली पर बैठे हुए थे डाली हिल गई, सुक डाउन हुआ, और वहाँ से डाली पर जो बर्फ़ के टुकड़े लदे हुए थे वो कुछ कण जो है, कुछ पार्टिकल्स जो हैं, डस्ट ऑफ स्नो जो है, पार्टिकल्स ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरे। और फिर उनके आगे और एक चार लाइन स्टेंजा निकल जाती है, क्या है कि हैज़ गिवन माई हर्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रीड। देखिए इसमें बोला है RUED, रीड मीन्स होता है, जैसे यहाँ लिखा गया देखिए हेल्ड इन रिग्रेट, हेल्ड इन रिग्रेट मतलब होता है जिस मूड में था, या मूड में है ना, मूड में, हैज़ गिवन माई हर्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रीड। लेखक बोल रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है कि जब कौवे ने धतूरे के वृक्ष से मेरे ऊपर बर्फ के कण जिस तरीके से हिलाकर गिराए थे, तो उससे क्या हुआ, मेरा मूड बदल गया और दिन का कुछ हिस्सा जिस मूड में मैं था वो बच गया। मीन्स ये हुआ कि लेखक जो है दिन का कुछ समय जो है बचा लिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर देखिए यहाँ पर एक पोएम है और पोएम में कुछ भाव इसका अलग है, मैं आपको समझाना चाहूँगा कि लेखक का कुछ समय जो है वो बच गया। हो सके कि लेखक जो है एक बैड मूड में था, उसका मूड आज ख़राब था, और उन्होंने सोचा क्या, देखिए यहाँ पर एक क्रो दिया है, एक हेमलॉक ट्री दिया है। क्रो कौवा जो है काला होता है, हेमलॉक ट्री क्या होता है, एक धतूरा का पौधा, मतलब ये पॉइजनस ट्री है। और जैसे कि आप जानते हैं कि दोनों का दोनों नेगेटिव रेफरेंस करता है, क्रो भी और हेमलॉक ट्री भी, तो ये दोनों ही ख़राब हैं। तो कुछ लोगों का कहना कि अगर दोनों ही ख़राब हैं मतलब कुछ ख़राब होगा, लेकिन लेखक के लिए अच्छा हो गया। ख़राब, कभी कभी ख़राब चीज़ भी जो है अच्छी हो जाती है, जैसे बिल्ली रास्ता काट दिया, या फिर बिगन टू जर्नी किसी ने छींक दिया। तो कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग नेगेटिव रेफरेंस में देखते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए जो फर्स्ट लाइन दिया हुआ है क्रो, और जो सेकंड लाइन दिया हुआ है फोर्थ लाइन में हेमलॉक ट्री, दोनों का दोनों जो है नेगेटिव रेफरेंस है, लेकिन इनके ख्याल से ये ख़राब होना था, लेकिन
लेखक का कुछ दिन जो है सेव हो गया, बच गया। तो लेखक फिर अपने काम में, अपने वर्क में लग गए। और उस दिन से लेखक जो है इनको, हालांकि इनको तो मानना नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग मानते हैं उनके लिए यहाँ पोएम्स में साफ साफ दिखाया गया है कि कौवा जिस डाली से, जिस डाली को हिलाया उनसे, वो डाली भी क्या था, हेमलॉक का था, मतलब पॉइजनस था। कौवा भी एक खराब ही प्रतीक होता है, दो खराब खराब मतलब खराब होगा, लेकिन यहाँ पर लेखक के साथ अच्छा हुआ, लेखक का कुछ दिन जो है जो बर्बाद हो जाता है यूँ ही फालतू का, वो बच गया। तो आइए इसका हम लोग, अब देखते हैं हम लोग राइमिंग स्कीम देख लेते हैं, यानी राइमिंग स्कीम में देखते हैं क्या कि फिगर ऑफ स्पीच क्या लिखा गया। देखिए इसमें क्या, देखिए यहाँ पर जो फोर्थ लाइन आप देख रहे हैं, पहले देखिए फिगर ऑफ स्पीच किसे बोलते हैं, कि जब एक ही लाइन में दो क्लोज प्लेस्ड वर्ड का इनिशियल लेटर सेम हो तब उसे कहा जाता है एलिट्रेशन। यानी एलिट्रेशन मतलब होता है कि एक, वैसे एक लाइन में अगर दो वर्ड समान हो दोनों का इनिशियल लेटर, तो उसको बोलते हैं हम लोग एलिट्रेशन। जैसे देखिए यहाँ पर सुक डाउन, सॉरी सुक डाउन में इसमें नहीं, ये देखिए सेव्ड सम पार्ट है ना, जो सेकंड स्टेंजा का है थर्ड लाइन, सेव सम पार्ट। तो यहाँ पर एस, सेव्ड का पहला लेटर एस और सम का पहला लेटर एस और एक ही लाइन पर है, तो इसको बोलेंगे हम लोग एलिट्रेशन। ठीक है, पोएम में कुछ कुछ बातें होती है। और देखिए एक तरह से देखा जाए इसमें, और कहीं पर है, और देखिए हाँ और कहीं पर देखिए एक है हैज़ और हर्ट। देखिए सेकंड स्टेंजा का फर्स्ट लाइन देखिए, हैज़ गिवन माय हर्ट, हैज़ एच, हर्ट का भी एच, मतलब ये भी क्या है, एलिट्रेशन ही है। तो एलिट्रेशन यही वर्ड होता है। उसके बाद एक और आता है, क्या आता है कि इंजेमेंट क्या होता है कि नो कोमा नो फुल स्टॉप। देखिए इस पॉइंट में कहीं भी स्टार्टिंग से कहीं भी फुल स्टॉप या फिर कोमा का यूज़ नहीं किया गया है, तो इसको बोलते हैं इंजेमेंट बोलते हैं हम लोग। और एक होता है एसोनेंस, एक होता है कॉन्सोनेंस। एसोनेंस मतलब जिसका जो है वॉवेल शब्द को कहते हैं, और कॉन्सोनेंस जो है कॉन्सोनेंट को ही कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए सेकंड लाइन में सुक डाउन ऑन मी, सुक डाउन ऑन मी, देखिए सुक में भी वॉवेल है, डाउन में भी वॉवेल है, ऑन में भी वॉवेल है, और इसका उच्चारण भी वॉवेल के जैसा हो रहा है। इट मीन्स ये जो लाइन है ये लाइन एसोनेंस है। इस तरह करके इसको आप लोग याद कर सकते हैं पोएम को, पोएम बहुत ही अच्छा था। और एक रिमिंग स्क्रीम आता है, रिमिंग स्क्रीम मतलब क्या हो, मिलाना पड़ता है। जैसे देखिए क्रो और स्नो एक जैसा है, ठीक है, और क्या क्या आ गया, क्रो स्नो एक जैसा हो गया, और कुछ आया क्या, देखिए मी और ट्री फिर एक जैसा आ रहा है, और मिलाइए कुछ कुछ, हर्ट और पार्ट एक जैसा आ रहा है। तो ये सब जो हो गया, ये हो गया हम लोग का राइमिंग स्कीम हो गया। तो लेशन में जो है इतना ही है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और पॉइंट भी समझ में आया होगा। तो आप लोग भी ये सब बेकार की बातों को विश्वास नहीं कीजिए, बिलीव नहीं कीजिएगा, ये खराब वो खराब, कुछ भी खराब नहीं होता है। नेचर मतलब प्रकृति का बना हुआ, गॉड गिफ्टेड जो है हर एक चीज़ अच्छा होता है। आप इनको बस फॉलो करते जाइए और सब ठीक होता जाएगा। ठीक है, वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा, अगर अच्छा लगे दिल से तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि पढ़िए। और अगर आप नए भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा जब भी जो भी वीडियो बने, हालांकि मैं तो जो भी अपलोड करता हूँ आपको मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए मिलते हैं कल नेक्स्ट एक नए चैप्टर के साथ, तब तक लिए हैव ए नाइस डे।